हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ अब अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हुए तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाओ। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास एम्पलीफायर आया है डीसी वाट 12, जो कि गाइस बैटरी से चलता है, एसी से नहीं चलता है। इसके अंदर पर गाइस ट्रांसफार्मर नहीं है, तो हम इसकी पहले अनबॉक्सिंग करेंगे और हम देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में इसकी जो पन्नी है उसको हम खोल लेंगे और देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो बॉक्स है गाइस वो मैंने पहले से निकाल लिया है, तो अब हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो म्यूजिक का लोगो दिया गया इसके अंदर ऊपर, और इसके अंदर गाइस हमें एक रिमोट भी देखने को मिलता है जो कि USB MP3 का है, और साथ में हमें यह लॉकर चाबी भी दिया गया है इसका। यहाँ पर आप इसको खोल सकते हो, बंद भी कर सकते हो। इसके अंदर गाइस हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 वॉल्यूम दिए गए हैं, जो कि एक वॉल्यूम मेन वॉल्यूम इसके बाहर दिया गया है और 2 वॉल्यूम इसके अंदर दिए गए हैं बेस और ट्रिबल का, जो कि जाड़ी पतली आवाज़ करने के लिए होता है। और यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है, और साथ में एक MP3 की एक USB की पैनल लगी हुई है। इसके अंदर वॉल्यूम अप डाउन के बटन है और एक मोड का बटन है, जिसे आप ब्लूटूथ FM वगैरह भी चला सकते हो, और यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो और USB केबल भी इसको लगा सकते हो। गाइस ब्लूटूथ से भी आप इसको चला सकते हो। और यहाँ पर एक अच्छा सा लॉक दिया गया है जो कि इसके ऊपर ग्रिप में लग जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लॉक भी कर सकते हो मेमोरी कार्ड लगाकर, जिससे आपकी जो मेमोरी कार्ड है वो चोरी होने से बचती है और जो एम्पलीफायर है ज़्यादा ख़राब होने से भी बचता है। ठीक है, और पीछे की बात करें तो यहाँ पर हमें गाइस देख सकते हो पीछे की बात करें तो हमें जो कि इसको करंट देने के लिए DC 12 वाट 2 वायर दिए गए हैं, रेड और ब्लैक, ये मेन वायर है और ये ग्राउंड है। और यहाँ पर एक FM का वायर भी दिया गया है, FM एंटीना, जो आप FM वगैरह चलाते हो तब को इसको FM भी इसके अंदर चलता है गाइस। और दो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये रेड और ब्लैक है ये एक IC का है, और ये जो है दूसरा ये दूसरी IC का है। इसके अंदर 4440 गाइस डबल IC इसके अंदर यूज़ किया गया है इस एम्पलीफायर के अंदर। तो मैं इसको एक बार 12 वाट करंट दे के एक 8 इंच स्पीकर चला कर आपको इसकी साउंड टेस्टिंग करवाता हूँ, और देखते हैं इसका साउंड कैसा है और आपको लेना चाहिए नहीं। और एक बात ये भी बता दूं गाइस, अगर आपके पास कार वगैरह है, फिर टेम्पू वगैरह है, बस वगैरह है, उसके अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। साइड में 3-3 दोनों होल दिए गए हैं, जिससे आप इसको आराम से इंस्टॉलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसका हम साउंड टेस्ट करेंगे। ठीक है गाइस, गाइस अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करके और साथ ही इस पर बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि गाइस हम जैसे न्यू वीडियो डाले आप सबसे पहले देख सको। यहाँ पर गाइस मैंने इसको एम्पलीफायर को कनेक्ट कर लिया, ऑन भी कर लिया, देख सकते हो। और हम इस पर नो कॉपीराइट स्ट्राइक वाले गाने लगाएंगे, क्योंकि गाइस हम कौन से भी गाने नहीं यूज़ कर सकते गाइस यूट्यूब वीडियो में, क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर मैंने नीचे स्पीकर लगा दिया है, ये वाला गाइज आप देख सकते हो, जो कि प्लाई की बॉडी का बना हुआ 8 इंच स्पीकर है, राजेश रेडियो स्पीकर है गाइज, यहाँ से मैंने इसको इस एम्पलीफायर में लगा दिया है। अब हम इसका वॉल्यूम ऑन करके बढ़ा के चेक करते हैं इसका साउंड कैसा आता है। गाइज आपको एम्पलीफायर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और गाइज अगर आप कार वगैरह आप अगर इसको DC बैटरी 12 वाट से चलना चाहते हो तो आप इसको बेफिक्र ले सकते हो, बहुत ही बड़े एम्पलीफायर है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।